टाइटैनिक जहाज से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और हो भी क्यों नहीं। टाइटैनिक मूवी और खुद टाइटैनिक जहाज थे ही इतने जबरदस्त। टाइटैनिक जहाज पूरी दुनिया में अपनी बनावट और कभी न डूबने वाले जहाज के तौर पर प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस कभी न डूबने वाले जहाज का अपना पहला सफर ही उसका आखिरी सफर होगा और वो अटलांटिक के महासागर की गोद में समा जाएगा। इस दुर्घटना में 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं था। शायद सुनने के बाद आप लोग हैरान हो गए हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह बात 100% सही है, लेकिन ये षड्यंत्र अभी तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। चलिए तो जानते हैं इस वीडियो में टाइटैनिक से जुड़े सबसे बड़े षड्यंत्र के बारे में। 15 अप्रैल 1912 का वो दिन था जब टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में जाके डूब गया। उस यात्रा में टाइटैनिक में लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से करीब 1500 यात्री मारे गए थे, और इनमें से ज्यादातर लोगों की मरने की वजह ठंड थी। टाइटैनिक जहाज को जब पहली बार दुनिया के सामने लेके आया गया तो ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। और सबसे बड़ी बात जो इस जहाज के बारे में बताई गई वो ये थी कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। 15 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकराता है, जिसकी वजह से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। टाइटैनिक को लेकर विवाद 1912 के पहले से ही शुरू हो गए थे। कुछ बातें इस ओर इशारा करती हैं कि व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के मालिक ने जानबूझकर टाइटैनिक जहाज को डुबाया था, लेकिन असलियत में डूबने वाला जहाज टाइटैनिक ना होकर ओलंपिक था। वहीं कुछ बातें इस विवाद को पूरी तरह से नकार भी देती हैं। चलिए तो इस विवाद को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। टाइटैनिक जहाज से पहले व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के पास ओलंपिक नाम का जहाज भी था, और टाइटैनिक हूबहू ओलंपिक जहाज की तरह ही बनाया गया था। ओलंपिक को टाइटैनिक जहाज से 1 साल पहले समुद्र में यात्रा के लिए उतारा गया था, लेकिन अपनी खराब किस्मत की वजह से शुरुआती महीने में ही ओलंपिक जहाज 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि जहाज को ठीक करने में करोड़ों रुपयों का खर्चा आ रहा था, और अगर ओलंपिक जहाज को ठीक करवाया जाता तो व्हाइट लाइन स्टार कंपनी पूरी तरह से घाटे में भी जा सकती थी। इसी जगह से व्हाइट लाइन स्टार और उसके मालिक जेपी मॉर्गन के दिमाग में इंश्योरेंस स्कैम की तरकीब आती है, और क्योंकि उस समय मीडिया ना होने की वजह से इंश्योरेंस स्कैम करना बहुत ही आसान था। क्योंकि दोनों जहाज दिखने में लगभग एक जैसे ही थे, तो व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते थे, लेकिन असलियत में टाइटैनिक की जगह ओलंपिक जहाज को डुबाया जाता। कुछ गौर करने वाली चीजें ऐसी भी हैं जो इस विवाद को और हवा देती हैं। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान की फोटो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में बने पोर्ट होल्स की गिनती 14 थी। पोर्ट होल्स यानी कि वो खिड़की नुमा जगह जिनमें से हवा और रोशनी अंदर आती है। तो जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था तो उसके पोर्ट होल्स की गिनती 14 से बढ़कर 16 हो गई थी, ठीक उतनी जितनी ओलंपिक जहाज में थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टाइटैनिक के निर्माण के दौरान उसकी खिड़कियों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर थी, लेकिन यात्रा वाले दिन वो बिल्कुल ओलंपिक जहाज की तरह दिखाई देने लगती है। जिस दिन टाइटैनिक को दुनिया के सामने लेके आया गया था, उस दौरान पूरे देश में कोल स्ट्राइक चल रही थी, जिस वजह से काफी लोगों के पास काम नहीं था। इसके बावजूद भी टाइटैनिक को लोगों को काम पर रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने किसी भी कीमत पर जहाज पर काम करने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि उस दौरान व्हाइट स्टार लाइन की जहाज डूबने वाली खबर वर्कर्स के बीच में फैल चुकी थी, जिस वजह से किसी भी वर्कर्स ने जहाज पर काम करने से मना कर दिया। टाइटैनिक के लॉन्च के दिन जिस तरह से टाइटैनिक जहाज ने लोगों की वाहवाही लूटी थी, अपनी पहली यात्रा के लिए टाइटैनिक जहाज को ठीक से यात्री मिले ही नहीं थे। उस दिन जहाज में आधे से थोड़े यात्री ही सवार थे। क्या व्हाइट स्टार लाइन ये चाहता था कि कम से कम लोगों की जान को खतरा हो, या सही मायनों में इंश्योरेंस स्कैम की बात बाहर निकल गई थी जिस वजह से लोगों ने टाइटैनिक पर टिकट बुक करवाए ही नहीं। बाहर निकलने वाली बात थोड़ी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि यात्रा की शुरुआत से कुछ ही दिन पहले काफी बड़े लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए थे। 20वीं सदी में जो सबसे अमीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी तबीयत का बहाना देकर अपने टाइटैनिक के टिकट कैंसिल करवा दिए, जबकि असलियत में उन सभी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तो क्या इन सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी, या व्हाइट लाइन स्टार कंपनी ने इन सभी बड़े लोगों का टिकट खुद ही कैंसिल कर दिया था? एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये थी कि एक जहाज जिसका नाम एसएस कैलिफोर्निया था, उसको भी जेपी मॉर्गन ने खरीदा था, और ये भी एक यात्री जहाज था। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान कैलिफोर्निया जहाज को बिना एक भी यात्री के अटलांटिक महासागर के बीच में भेज दिया गया, और जहाज में सिर्फ 3000 कंबल और जंपर सूट मौजूद थे। तो क्या व्हाइट लाइन स्टार कंपनी ने इस जहाज को लोगों को बचाने के लिए भेजा था? लेकिन कहते हैं कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक से लगभग 24 किलोमीटर दूर हो गया था, जिस वजह से कैलिफोर्निया जहाज डूबते हुए लोगों को नहीं बचा पाया और करीब 1500 लोग मारे गए। 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज हुई, और इस मलबे में मौजूद टाइटैनिक प्रोपेलर पर टाइटैनिक की आईडी नंबर 401 लिखा हुआ था, जो ये साबित करता था कि ये जहाज टाइटैनिक ही था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ओलंपिक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टाइटैनिक जहाज के प्रोपेलर को ओलंपिक जहाज में लगा दिया गया था, और अगर ऐसा है तो ये सबसे बड़ा सबूत हो सकता है इस षड्यंत्र को सही साबित करने के लिए। ये सभी बातें वो हैं जो साबित करती हैं कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से इस षड्यंत्र को नकारती भी हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया कि टाइटैनिक के प्रोपेलर में 401 कोड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यही कोड टाइटैनिक के और हिस्सों पर भी लिखे गए थे। टाइटैनिक मलबों की जांच के दौरान और भी जगहों पर ये कोड देखे गए हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये जहाज टाइटैनिक ही है। हालांकि टाइटैनिक और ओलंपिक दिखने में एक जैसे थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो टाइटैनिक और ओलंपिक को अलग करती थी। जैसे कि टाइटैनिक में क्लास ए डेक को पूरी तरह से शीशों से ढका गया था, लेकिन वहीं ओलंपिक जहाज में क्लास ए डेक ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ था। अगर ये सभी कुछ सिर्फ पैसों के लिए ही किया गया होता तो शायद व्हाइट स्टार लाइन आगे काम करना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी भी इतनी बड़ी कंपनी का जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब जाता है तो उस कंपनी का नाम बहुत खराब होता है, लोग भविष्य में उस कंपनी के जहाज पर यात्रा करना भी बंद कर सकते हैं। आखिर सिर्फ पैसों के लिए व्हाइट स्टार लाइन इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? टाइटैनिक मशहूर हुआ था ना डूबने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता था। लेकिन क्या व्हाइट स्टार लाइन कंपनी इतनी ज्यादा कुशल थी कि वो सटीक तरीके से टाइटैनिक जहाज को डुबा सकती थी? ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अगर वाकई में ही टाइटैनिक जहाज की जगह ओलंपिक को डुबाया गया है तो क्यों फिर ओलंपिक जहाज को आगे इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि उसे 1935 में ही रिटायर्ड कर दिया गया? और 1935 तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके कि डूबने वाला जहाज ओलंपिक जहाज था। 1936 में जब ओलंपिक जहाज को ध्वस्त किया गया तो उस दौरान भी सभी सबूत ये बताते थे कि ये जहाज ओलंपिक जहाज है और डूबने वाला जहाज टाइटैनिक जहाज था। भले ही असलियत में कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर है कि 1912 की इस दुर्घटना में बहुत सारे लोग जरूर मारे गए थे। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।